Hey guys, this is Mukul Sharma, aka Stuff Listings. ये क्या? Welcome to yet another episode of Tech Stuff. ये बहुत मनुष्य लग रहे हो, मत करो, रहने दो. रहने दो, बहुत बुरे लग रहे हो. तोबा, 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 थारा मूड खराब कर दिया. और आज की न्यूज़ स्टार्ट करने से पहले वंस अगेन आई वुड लाइक टू थैंक ईच एंड एवरी वन ऑफ यू. अगर आप लोगों ने ट्विटर पे कल हमारा जो यू नो कारनामा चल रहा था उसको नहीं देखा तो मैं यहाँ पे आपको रिपीट करके बताना चाहूंगा. येस्टरडे स्टफ लिस्टिंग्स आर्मी वॉज ट्रेंडिंग ऑन ट्विटर. कोई नई चीज नहीं है, बट दिस टाइम अराउंड हम ट्विटर पे नंबर वन पे ट्रेंड कर रहे थे पूरी कंट्री में. एंड दैट वॉज एपिक, दैट वॉज अमेजिंग. और अगर आपने अभी तक इस इलीट सुपर कूल ऑसम आर्मी को ज्वाइन नहीं किया, यू कैन सब्सक्राइब टू आवर चैनल सो दैट आप भी हमारी ही सबकी तरह कूल बन जाएं. यहां पे एक मीम लगा देना. नहीं. बिफोर यू स्टार्ट वॉचिंग द वीडियो, इफ यू न्यू टू द चैनल, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू स्टफ लिस्टिंग्स. आज की न्यूज स्टार्ट करते हैं एप्पल के साथ. एंड यस, एप्पल आईफोन 12 सीरीज लॉन्च हो चुकी है. इसके बारे में बहुत सारी अच्छी चीजें, बुरी चीजें चलती आ रही हैं. मैंने आपको बताया कि इंडिया में इसकी प्राइसिंग बहुत ज्यादा है, स्क्रीन रिप्लेसमेंट प्राइस भी आपको कॉस्ट बहुत ज्यादा देनी पड़ेगी. और उसके अलावा क्या क्या चीजें नहीं है इसके बारे में, बैटरी पता चली कि यार बहुत छोटी छोटी बैटरीज वगैरह है. बट यस, व्हेन इट कम्स टू परफॉर्मेंस एंड स्पीड, आईफोन 12 सीरीज को फाइनली सिंथेटिक बेंचमार्क्स वगैरह पे टेस्ट किया गया. और आईफोन 12 सीरीज ने एंड्रॉइड के जितने भी स्मार्टफोन्स हैं, आई मीन जितने भी स्मार्टफोन्स 2020 में लॉन्च हुए हैं, उनको सबको आउट परफॉर्म कर दिया. मैं आपको स्क्रीन पे दिखा रहा हूं कुछ बेंचमार्क स्कोर्स, 3D बेंचमार्क वगैरह भी आपको दिखा रहा हूं यहां पे. और लिटरली एप्पल के A14 बायोनिक चिपसेट का कोई राइवल नहीं है अभी के लिए मार्केट में. सो इट्स एन अमेजिंग फीट व्हिच द एप्पल आईफोन 12 सीरीज हैज बीन एबल टू पुल ऑफ. अब देखते हैं कि यार इसका राइवल यू नो एंड्रॉइड स्मार्टफोन कब लॉन्च होगा. प्राइसेस तो बहुत ज्यादा है, बट इफ यू वांट शीयर परफॉर्मेंस, द आईफोन 12 सीरीज इज डेफिनेटली द वन टू गो फॉर. By the way, एक फन फैक्ट, इंडिया टुडे का एक मैं आर्टिकल पढ़ रहा था. आर्टिकल्स भी पढ़ता हूं मैं आजकल. देखो मतलब कितना आप लोगों के लिए काम कर रहा हूं कि अच्छा अच्छा कंटेंट आपको मिल पाए. लीक्स के अलावा इंटरेस्टिंग चीजें भी मैं आजकल इंटीग्रेट कर रहा हूं. सो यस, इंडिया टुडे ने एक आर्टिकल पब्लिश किया था कल. और उन्होंने बहुत अच्छी एक रिसर्च की है, इंटरेस्टिंग रिसर्च है कि आईफोन 12 प्रो स्मार्टफोन इंडिया में इतना एक्सपेंसिव है कि आप उसको इंडिया में खरीदने की जगह दुबई जाके, मतलब इंडिया से फ्लाइट टिकट बुक करके दुबई जाके रिटर्न, मतलब वापस भी आ जाओगे ना उसको खरीद के वहां से, तो भी वो वाला आपको सस्ता पड़ेगा. उन्होंने प्रूफ भी दिया, मैं आपको लिंक लगा दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप जाके इस आर्टिकल को चेकआउट कीजिए, बहुत इंटरेस्टिंग चीज है. और उन्होंने लिखा है कि यार समवेयर अराउंड 18,000 रुपीज आपको यू नो अप डाउन टिकट पड़ेगी यहां से जाना और आना. और 18,000 के अलावा जो प्राइसिंग रखी गई आईफोन 12 प्रो की, वहां पे इन दोनों चीजों को ऐड भी कर दोगे तो इंडियन जो प्राइसिंग है उससे कम बनेगी. लगे हाथ आप आईपीएल के एक दो मैच भी देख के आ सकते हो. क्यों खरीदना फ्लिपकार्ट वगैरह से जब हम शारजा जाके आईफोन 12 प्रो स्मार्टफोन को खरीद सकते हैं. इंटरेस्टिंग चीज है, इंटरेस्टिंग स्टाफ दैट वी ऑल शुड नो. आगे बढ़ते हैं जियोनी की तरफ. एंड जियोनी का एक नया स्मार्टफोन जल्दी ही लॉन्च होने वाला है. यार ये बहुत ही बड़ी चीज है बिकॉज जियोनी के स्मार्टफोन्स यूजुअली आते नहीं है. और ये स्मार्टफोन 5G स्मार्टफोन होगा. इसका मॉडल नंबर है G7A2OLY गोली. जो भी इसका मॉडल नंबर है, इस स्मार्टफोन में आपको मिलेगी एक 6.52 इंच की डिस्प्ले, HD+ यहां पे रेजोल्यूशन होगा. और पीछे की तरफ से स्मार्टफोन कुछ ऐसा दिखेगा, रियर माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर भी है. साथ में आपको मिलेगा एक ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप, 5, 8, 13, इन तीनों में से एक आपको मिलेगा फ्रंट कैमरा का सेटअप. और मोस्ट लाइकली आपको 8 मेगापिक्सल्स का फ्रंट कैमरा यहां पे देखने को मिलने वाला है. बाकी के स्पेसिफिकेशंस फीचर्स वगैरह मैं आपको स्क्रीन पे दिखा रहा हूं. यूनिसॉक का प्रोसेसर है, कोई ज्यादा इंटरेस्टिंग यहां पे कंपेलिंग आपको स्पेसिफिकेशंस वगैरह तो नहीं मिलेंगी. बट स्टिल जियोनी का 5G स्मार्टफोन है. और ये यू नो दिस इज अ प्लेटफॉर्म जहां पे मैं आपको मेन स्ट्रीम स्मार्टफोन्स के अलावा भी बताता हूं कि टेक में क्या क्या हो रहा है. आपको पता होना चाहिए जियोनी वगैरह, स्मार्टिसन, ये स्मार्टफोन कंपनीज भी बहुत सारे प्रोडक्ट्स को लॉन्च करती हैं. सो यू शुड डेफिनेटली बी अवेयर ऑफ ऑल दीज. आगे बढ़ते हैं नोकिया की तरफ. एंड HMD ग्लोबल ने वेराइजन एक्सक्लूसिव एक नया स्मार्टफोन लॉन्च किया. इसका नाम है नोकिया 2V टेला. नोकिया न्यूटेला ये जो स्मार्टफोन है ये $89 से स्टार्ट होता है. एंट्री लेवल स्मार्टफोन है. एंड्रॉइड 10 पे स्मार्टफोन रन करेगा. एंड्रॉइड 11 भी आपको इसमें देखने को मिल सकता है. पीछे की तरफ है दो कैमरास, आगे की तरफ बहुत सारे बड़े बड़े बेजल्स हैं. मीडियाटेक हीलियो A22 प्रोसेसर पे स्मार्टफोन रन करता है. 2GB रैम है, 16GB इंटरनल स्टोरेज है. अफकोर्स $89 में हम क्या ही एक्सपेक्ट करेंगे, बट यस दिस इज व्हाट द नोकिया 2V टेला स्मार्टफोन लुक्स लाइक. आगे बढ़ते हैं लिनोवो की तरफ है. लिनोवो का लिनोवो टैब M10 प्लस जल्दी ही ग्लोबली रिलीज होने वाला है बिकॉज GCF सर्टिफिकेशन वेबसाइट पे ये टैबलेट अब सर्टिफाई हो चुका है.
आगे बढ़ते हैं टिक वॉच की तरफ। एंड आपको मैंने कुछ टाइम पहले बताया था कि टिक वॉच ने एक नई घड़ी इंडिया में लॉन्च की, टिक वॉच प्रो 3, 28,000-29,000 इसकी प्राइसिंग है और ऑफ कोर्स एक अच्छी खासी वॉच है। अब इस वॉच का LTE वेरिएंट भी लॉन्च होने वाला है। LTE की वैसे फुल फॉर्म क्या होती है कमेंट सेक्शन में अगर आप बता पाए तो आप घने होशियार। उड़ी बाबा ये घने होशियार वाली बात बहुत दिनों बाद मैंने की वैसे। नेवरदलेस टिक वॉच प्रो 3 LTE जो घड़ी आने वाली है ये गूगल प्ले कंसोल लिस्टिंग पे सर्टिफाई या लिस्ट हो चुकी है। दैट मींस जल्दी आपको इस घड़ी का LTE वर्जन जिससे आप कॉल वगैरह भी कर पाएंगे वो भी ग्लोबली देखने को मिलने वाला है। आगे बढ़ते हैं सैमसंग की तरफ। एंड ये सैमसंग जल्दी ही लॉन्च करने वाला अपनी सैमसंग गैलेक्सी S21 सीरीज ऑफ स्मार्टफोन्स। एंड राइट अहेड ऑफ द लॉन्च इस स्मार्टफोन सीरीज के बहुत सारे लीक्स वगैरह निकल के आ चुके हैं। ऑलरेडी सैमसंग गैलेक्सी S21 और अल्ट्रा के रेंडर्स भी मैं आपको वैसे दिखा ही चुका हूं, ऑल लीक्स ने लीक किया था उनको। बट अब आइस यूनिवर्स ने एक नया ट्वीट किया और वो बता रहे हैं कि S21 और S21 प्लस, जी हाँ, इसमें तीन स्मार्टफोन सीरीज में होंगे, मतलब S21 प्लस और अल्ट्रा। S21 और S21 प्लस, इन दोनों स्मार्टफोन्स में हमें फ्लैट 2D स्क्रीन्स देखने को मिलेंगी, जबकि S21 अल्ट्रा जो है उसमें आपको कर्वेचर देखने को मिलने वाला है, कर्व्स देखने को मिलने वाली हैं। सो ऑन लीक्स के रेंडर्स और आइस यूनिवर्स का ये लीक मिला के अब आपको सैमसंग गैलेक्सी S21 सीरीज ऑफ स्मार्टफोन्स की डिस्प्ले का कुछ आइडिया हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं ट्रू कॉलर की तरफ। एंड ये ट्रू कॉलर ने एक नया अपडेट, एक नया फीचर रोल आउट किया है एंड्रॉइड स्मार्टफोन्स के लिए। अगर आप ट्रू कॉलर यूज करते हैं तो आपको बहुत इससे फायदा हो सकता है। अगेन मैं यूज करता हूं बिकॉज आई गेट अ लॉट ऑफ स्पैम कॉल्स एंड इंटरेस्टिंगली आई गेट अ लॉट ऑफ कॉल्स फ्रॉम माई फ्रेंड्स और एनीवन जिनसे मैं पूछता हूं कि ओके भाई क्यों कॉल किया है, मतलब अपना काम नहीं है तेरे को, क्यों कॉल कर रहा है मेरे को, तंग क्यों कर रहा है रात को 2 बजे। सो यस, व्हाट इफ ट्रूकॉलर आपको ऑलरेडी एक प्रीएम्प्टिव एक प्री मैसेज दे दे कि ये बंदा आपको कॉल क्यों करने वाला है, इंटेंट क्या है, रीजन क्या है इस कॉल का, सो दैट आपको वो पहले से पता रहेगी यार मैंने क्या जवाब देना है। इफ द रीजन इज नॉट सफिशिएंट इनफ फॉर यू टू टेक द कॉल, आप कॉल काट सकते हो, मैसेज कर सकते हो कि ओके कॉल मी लेटर, ये है वो है। सो यस, ट्रूकॉलर अब आपको कॉल रीजन की सुविधा प्रोवाइड करने वाला है नए फीचर में। इसके साथ आपको स्केड्यूल SMS करने का फीचर भी मिलेगा और साथ में आपको मिलेगा मैसेज ट्रांसलेशन का फीचर। ये नए फीचर्स अब ट्रू कॉलर में आपको एंड्रॉइड स्मार्टफोन्स में देखने को मिलने वाले हैं। आगे बढ़ते हैं नोकिया की तरफ है। नोकिया ने कुछ टाइम पहले लॉन्च की थी अपने नोकिया एसेंशियल, वो जो खोपचे वाले हेडफोन्स होते हैं वो, और ब्लूटूथ हेडफोन्स है। एंड ये इनकी प्राइसिंग थी समवेयर अराउंड 5,000 रुपीज जब ये इंडिया में लॉन्च हो, बट अभी के लिए इंडिया में तो नहीं आए, बट यस इंडिया में आने वाले हैं बिकॉज अभी के लिए इंडोनेशियन टेलीकॉम सर्टिफिकेशन वेबसाइट पे भी नोकिया के एसेंशियल हेडफोन सर्टिफाई हो चुके हैं और एशियन कंट्रीज में आएंगे तो इंडिया में भी हमें ये जल्दी ही देखने को मिलने वाले हैं। आगे बढ़ते हैं Huawei की तरफ। एंड आज Huawei लॉन्च करने वाला अपनी Huawei Mate 40 सीरीज ऑफ स्मार्टफोन्स। एंड राइट अहेड ऑफ द लॉन्च Huawei Mate 40 प्रो स्मार्टफोन जो था वो Amazon की जर्मनी वाली वेबसाइट पे लिस्ट हो गया। 1199 यूरोस इसकी प्राइसिंग दिखाई जा रही है, सो बहुत महंगा ये स्मार्टफोन होगा। मैं आपको स्क्रीन पे जो Amazon की लिस्टिंग दिखा रहा हूं, यू शुड नो कि ये जो फोटो है ये Huawei Mate 30 सीरीज के स्मार्टफोन की है। दिस इज नॉट व्हाट द Huawei Mate 40 प्रो स्मार्टफोन लुक्स लाइक, बट ये प्राइसिंग कहीं ना कहीं ये बिल्कुल सही हो सकती है। और आज ये स्मार्टफोन सीरीज लॉन्च हो रही है, अब देखते हैं इसकी एक्चुअल प्राइसिंग क्या बनती है, बट इस कैमरा के हिसाब से दिस स्मार्टफोन सीरीज इज गोइंग टू बी एपिक। आगे बढ़ते हैं ओप्पो की तरफ। आपको मैंने कल की टेक्स्ट में बताया था कि ओप्पो जल्दी ही लॉन्च करने वाला है इंडिया में एक नया स्मार्टफोन ओप्पो A33, 11,990 रुपीज इसका प्राइस लीक हुआ था। स्पेक्स वगैरह भी मैं आपको कल की टेक्स्ट में बता ही चुका हूं, अगर आपने नहीं देखी थी कल की टेक्स्ट आपको मैं ऊपर कार्ड में लगा दूंगा, आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। इंडीड ओप्पो A33 स्मार्टफोन लॉन्च हो गया इंडिया में 3GB 32GB स्टोरेज सारी चीजों के साथ, Qualcomm Snapdragon 460 प्रोसेसर है और 11,990 ही इसकी प्राइसिंग रखी गई है। सो इफ इन केस यू आर इंटरेस्टेड इन ओप्पो स्मार्टफोन, 90Hz की रिफ्रेश रेट है स्मार्टफोन में, अब ये स्मार्टफोन आपको इंडिया में 11,990 रुपए में मिल गया है, मिलने वाला है। आगे बढ़ते हैं Xiaomi के सब ब्रांड Redmi की तरफ है। Redmi K30S स्मार्टफोन के बारे में हम पिछले कुछ 10-15 दिन से सुनते आ रहे हैं, फाइनली अब यहां पे इसकी लॉन्च निकल के आ रही है और सुनने में आ रहा है कि Redmi K30S की अनाउंसमेंट 27th अक्टूबर को होगी चाइना में और 1st नवंबर को ये स्मार्टफोन लॉन्च हो जाएगा। Mi 10T सीरीज का ही ये स्मार्टफोन होने वाला है, बट यस चाइना में Redmi K30S स्मार्टफोन आ रहा है और इसके बाद Redmi का जो मिनी स्मार्टफोन है वो भी आने वाला है। सो इसी लॉन्च इवेंट में हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि Redmi मिनी स्मार्टफोन की भी कुछ ना कुछ अनाउंसमेंट हमें देखने को मिल जाएगी। पर आगे बढ़ते हैं आज की लास्ट न्यूज़ की तरफ, बट उससे पहले अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है, हमारा कंटेंट पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बिकॉज़ आपको हमारे चैनल पे दिन में 2 बार ऐसी ही टेक स्टफ देखने को मिलेगी ही मिलेगी। और आगे बढ़ते हैं, वीडियो खत्म करते हैं, बट उससे पहले हम बात कर लेते हैं OnePlus के अपकमिंग OnePlus Nord N10 स्मार्टफोन की। अगर आपको याद हो तो मैंने पिछले महीने बताया था कि OnePlus Nord N10 और OnePlus Nord N100
100, ये दोनों ही स्मार्टफोन्स जल्दी ही लॉन्च होने वाले हैं। अभी के लिए यूएस में लॉन्च होंगे, इंडिया में भी इनके आने के पूरे पूरे चांस हैं। बट अभी के लिए मैक्स जे ने एक नया पोस्टर लीक किया है, जिसको देखोगे अगर आप ध्यान से तो OnePlus Nord N10 यहां पे साफ साफ हिंट दिख रही है। और यस, जो रियर होगी OnePlus Nord N10 की, वो कहीं ना कहीं रिसेंटली लॉन्च्ड OnePlus 8T स्मार्टफोन जैसी होने वाली है। मतलब जो कैमरा मॉड्यूल है वो कहीं ना कहीं वैसा ही लग रहा है। मैं आपको स्क्रीन पे दिखा रहा हूं, दिस इज व्हाट द OnePlus Nord N10 इज रिपोर्टेडली एलिजिबली गोइंग टू लुक लाइक। और वीडियो में आगे बढ़ते हैं, बट उससे पहले देख लेते हैं कल का पोल। कल हमने आपसे पूछा था कि यार कौन सा स्मार्टफोन आप चाहते हैं कि इनमें से इंडिया में लॉन्च हो। रेडमी K30 अल्ट्रा को 69% लोगों ने वोट किया और बात ही खत्म हो गई। मेजॉरिटी यहां पे है, बाकी स्मार्टफोन्स को किसी ने ज्यादा भाव ही नहीं दिया। सो यस, क्लियरली रेडमी K30 अल्ट्रा स्मार्टफोन की बहुत हाइप है, बट यस, कांट हेल्प इट, कंपनी इसको इंडिया में लॉन्च नहीं कर रही। सो या जवाब दो। सो गाइस, ये थी सुबह की टेक स्टफ। बहुत दिन हो गए थे यार, वीडियोस लंबी जा रही थी। आज की वीडियो मैंने ट्राई किया थोड़ी सी छोटी रखने की। अगर आपको ये चीज पसंद आई कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं, और अगर आपको ये वीडियो ओवरऑल पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, शेयर करना मत भूलिएगा। एंड स्टिल, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, डोंट फॉरगेट लाइक एंड सब्सक्राइब इफ यू हैवंट ऑलरेडी। गॉड ब्लेस यू ऑल, पीस, सी यू एट 5:50।